भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 52। वर्तमान श्लोक में भगवान अर्जुन से बताते हैं कि जितने सुखों के बारे में तूने संसार में जाना है और पुस्तकों में पढ़ रखा है, जिस दिन बुद्धि इसके पार चली जाएगी तो भोगों में कोई मोह नहीं रह जाएगा। श्लोक इस प्रकार है। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर व्यति तरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। विस्तार से जान लेते हैं। यदा, जिस समय, when, ते तेरी, योर बुद्धि, बुद्धि इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेशन, मोह कालिलम, मोह रूपी दलदल को, फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन, व्यतितरिष्यति, भली भांति पार कर जाएगी, विल सरपास, तदा उस समय तू, एट दैट टाइम, गंतासी प्राप्त हो जाएगा, यू शैल अटेन, क्या अटेन करेगा, निर्वेदम, वैराग्य को। वैराग्य जंगल में जाने वाला नहीं है, मन में इंडिफरेंस पैदा हो जाए, उसके लिए भगवान ने कहा है। किससे वैराग्य होगा, श्रोतव्य से, सुनने में आने वाले भोगों से, ऑल दैट इज टू बी हर्ड, और श्रुतस्य च, जितने सुन रखे हैं, ऑल दैट इज ऑलरेडी हर्ड। भावार्थ, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इंग्लिश, व्हेन योर पावर्स ऑफ डिसर्नमेंट क्रॉस द फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन्स, you will become indifferent to past and future discussions. शरीर में अहंता यानी अहंकार, ईगो और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह कहलाता है। वैसे चीजों में खुद में कोई ममता नहीं होती, लेकिन ममता हमारी मान्यता से बनती है कि ये मेरा रिलेटिव है, ये चीज बड़ी अच्छी है, तो उससे ममता स्थापित होती है। अनुकूल वस्तु के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर परेशान होना, संसार में विषमता पक्षपात ईर्ष्या आदि विकार होना, सब कलिल अर्थात दलदल कहा गया है। इस मोह रूपी दलदल में बुद्धि फंस जाती है तो मनुष्य सोच नहीं पाता है। मोह रूपी दलदल से निकलने के लिए दो उपाय, एक तो विवेक डिस्क्रिमिनेशन और सेवा। विवेक है आत्मा के बारे में ज्ञान, जो असत विषयों से अरुचि करा देता है। ये तो लोग जो ध्यान साधना करते हैं उसमें उन लोगों को ऐसा विवेक हो जाता है। पर सरल तरीका क्या है, सेवा। मन में दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। जिस तरह माता में आ जाती है, माता बच्चे के लिए कोई भी तकलीफ उठा लेती है, पशु तो जो मादा है वो शत्रु से लड़ लेती है बच्चों को बचाने के लिए, और मनुष्यों में भी इस तरह की बच्चे के लिए सब कुछ करने की भावना रहती है, तो फिर अपने सुख की कमी महसूस नहीं होती। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा।
जैसे शिष्य में गुरु के लिए, पुत्र में माता पिता के लिए और नौकर में मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है, तो अपने सुख की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है और भोग लिया है, वह सभी भोग यहाँ श्रुतस्य से पद के अंतर्गत हैं, और स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि जितने भोग सुने हैं, किताबों में पढ़े हैं, वे श्रोतव्यस्य के अंतर्गत आते हैं। दोनों कैटेगरी इसमें ले ली हैं। जब तेरी बुद्धि इस दलदल को पार कर जाएगी, तो तुझे इस लोक के और परलोक के विषयों से वैराग्य हो जाएगा। यहाँ यदा और तदा कहने का अभिप्राय ये है कि सुने हुए और अनुभव किए हुए विषयों से इतने वर्षों में, इतने महीनों में वैराग्य हो जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। कोई पूछे कि भी कब तक वैराग्य हो जाएगा, चलो करके देखते हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं है। जिस क्षण बुद्धि मोह रूपी दलदल से उतर जाएगी, उसी समय सुने हुए और सुनने योग्य विषयों से वैराग्य यानी कि डिसिल्यूजनमेंट हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा। अटारी घोड़े गाड़ी काया मान रिश्ते छल, महल अटारी घोड़े गाड़ी काया मान रिश्ते छल, जीव की जंजीर ये स्वर्ग नरक और माया जंगल, जीव की जंजीर ये स्वर्ग नरक और माया जंगल, दौलत नहीं स्थाई भाई गीता ने बताई दलदल, दौलत नहीं स्थाई भाई गीता ने बताई दलदल। के चल अपना सपना निंद्रा त्याग, परले पार इनके चल अपना सपना निंद्रा त्याग, बुद्धि के सहारे तर जा सज्जन कहते वीत राग, बुद्धि के सहारे तर जा सज्जन कहते वीत